अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू के कटलेट्स। आलू के कटलेट्स जो हैं वो नए आलू से बनाने जा रही हूँ, क्योंकि जो आजकल जो सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं तो उसके हिसाब से नए आलू आ चुके हैं और बहुत ही टेस्टी हैं। पुराने आलू भी टेस्टी होते हैं, पर होता यह है कि जब पुराने आलू जैसे जैसे पुराने होते हैं वैसे वो कभी मीठे और कभी बहुत ज्यादा मीठे हो जाते हैं, तो उससे हम जो भी सालन बनाते हैं या कटलेट्स बनाते हैं तो वो मीठे बन जाते हैं हमारे कटलेट्स और सालन। इसीलिए मैं नए आलू से बना रही हूँ। नए आलू के मैंने छिलके उतार लिए हैं। कुछ लोग नए आलू के छिलके नहीं उतारते, मैंने उतार लिए हैं। सबसे पहले मैं आलू को बॉयल कर लूंगी। आलू बॉयल करने के बाद बाकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, साथ रहिएगा ताकि आलू जो बॉयल हो उसके बाद जो जैसी जैसी रेसिपी हो वैसी वैसी आलू के कटलेट्स कैसे बनेंगे वो आप देख सके। चलिए शुरू करते हैं हम आलू के कटलेट्स बनाना। उसके लिए हम आलू को सबसे पहले बॉयल होने के रख देंगे। पानी हम डाल लेंगे और चूल्हे पे चढ़ा देंगे। आलू को वॉश करने के बाद मैंने इसको दो टुकड़ों में काट लिया था और पानी डाल के इसको पकने के लिए रख दिया है। जब आलूओं में बॉयल आ जाएगा तो चूल्हा इसका थोड़ा हल्का कर देंगे ताकि आलू जो है वो अच्छे तरीके से पक जाए। हमारे आलूओं में बॉयल आना शुरू हो गया है। अब मैं इसका थोड़ा चूल्हा जो है वो हल्का कर दूंगी ताकि जो हमारे आलू हैं वो अच्छी तरीके से पक जाएं। आलूओं को हमने बॉयल कर लिया है, अब हम इसे मैश कर लेंगे। सारे आलू को हम मैश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं हम आलू के कटलेट्स बनाना। आलू को मैंने मैश कर लिया है। आलू के कटलेट्स बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स मैं यूज कर रही हूँ उसमें है नमक हाफ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, चाट मसाला एक टी स्पून। चाट मसाले की रेसिपी मैं पहले बना चुकी हूँ, चाट मसाले की रेसिपी तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, वरना मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से भी देख लीजिएगा। जीरा दूंगी मैं हाफ टी स्पून, प्याज लिए हैं मैंने थोड़े से, धनिया पुदीना और हरी मिर्चे ये भी इसमें जाएंगी आलू के कटलेट्स में। बॉयल्ड आलू में सबसे पहले हम नमक डालेंगे, जीरा डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और चाट मसाला डालेंगे, हरा धनिया हरी मिर्चे पुदीना प्याज डाल देंगे। तमाम से शामिल करने के बाद अब हम इसको मिक्स करेंगे। तमाम चीजों को हमने मिक्स कर लिया है, अब हम इसके कटलेट्स बनाएंगे। कटलेट्स का मसाला तैयार करने के बाद अब हम कटलेट्स बना रहे हैं। जितना आप साइज चाहते हैं आप उतना रख सकते हैं। छोटा रखना चाहें तो छोटा रख सकते हैं, बड़ा रखना चाहें तो बड़ा रख सकते हैं। कटलेट्स हमारे तैयार हो रहे हैं। आलू के कटलेट्स बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। अगर आपको कुछ समझ ना आ रहा हो कि क्या बनाएं आप, तो आप आलू के कटलेट्स बना सकते हैं। आलू के कटलेट्स हमारे तैयार हो चुके हैं, अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने लगे हैं, सबसे पहले हम घी डाल देंगे। अंडे में डिप करके अच्छी तरीके से डिप करने के बाद उसको तवे पर डाल देंगे। तवे की आंच हल्की रखिएगा।
इसी तरह हम बाकी कटलेट भी अंडे में डिप करके तवे पर डाल देंगे। अब कटलेट को हम पलट लेंगे। एक साइड हमारी हो चुकी है। हमारे कटलेट बहुत अच्छे बनते हैं, खाने में बहुत टेस्टी होते हैं, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। जब भी कबाब ट्राई करें तो तवे की आंच हल्की रखें, तेज आंच पे कबाब गल जाते हैं। मजेदार गर्मा गर्म आलू के कटलेट तैयार हैं। आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि आपने जब ये बनाए तो ये आपके कैसे बने। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।